अरे दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमः शिवाय। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग हो रहा है 12 बजे से शुरू। हाँ, 12 तो बज ही गए होंगे और अब निपटाया मैंने। और मैं क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी। जैसे आपको पता है मेरा लंच भी डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी एक साथ होता है। अभी दिन में करती हूँ मैं, फिर बस हो गया, तो हो गया मेरा काम, बन गई मेरी रोटी भी अपने लिए बनाई और टफी के लिए बनाई। टफी तो खाएगा नहीं अभी, वो भी एक टाइम खाता है, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ। और अब धूप में जाऊँगी। आज तो धूप है, हवा चल रही है आजकल, लेकिन ठीक है मौसम। गर्मी आने लग गई थोड़ी थोड़ी दिन में, सुबह शाम तो हो रही है ठंड, लेकिन दिन में है गर्मी अभी। तो मैं कर रही हूँ अपना खाने की तैयारी। हो गया मेरा, रोटी बन गई, सब्जी सुबह की थी, सुबह बनाई थी टिफिन के लिए, तो वो बची हुई थी, वही खाऊंगी। और अब चाय भी बनाती हूँ, थोड़ा सा चाय बाद में देख लूँगी, एक बार मैं रोटी खा लेती हूँ। और मैंने दूध रखा है, दूध गर्म होगा तभी मैं बाहर जाऊँगी, क्योंकि मैं भूल जाऊँगी, फिर बाहर जाऊँगी तो बाहर ही बैठी रह जाऊँगी और दूध गिर जाएगा, इसलिए मैं एक बार दूध गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाहर निकलती हूँ। और अभी तो हमारे किचन में भी धूप आ रखी है, अच्छी धूप आ रखी है। थोड़ी देर बाद हो जाएगा यहाँ पे ठंड, यहाँ जल्दी धूप चले जाती है सर्दियों में। गर्मियों में तो बहुत देर तक रहती है, पता नहीं कैसे। और सर्दियों में कुछ दिन पहले तक तो 1-1.5 बजे तक रहती थी, आजकल थोड़ा 2 बजे तक रह रही है, धीरे धीरे अब रहेगी। गर्मियों में तो चाहिए भी नहीं धूप। गर्मियों में तो हम नीचे चले जाएंगे, वैसे भी नीचे के कमरों में, किचन में नीचे ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ ऊपर बहुत गर्मी लगती है। फिर यहाँ अभी मतलब ऐसा फैन फोन कुछ नहीं है, तो यहाँ बहुत गर्मी, ऊपर छत पर गर्म होती है तो बहुत गर्मी लगती है। सर्दियों में ठीक है, गर्म धूप भी उतनी आती नहीं है, पर जो भी है ऊपर थोड़ा दिखती तो है, नीचे तो और ठंडा है आजकल सर्दियों के लिए। सर्दियों में नहीं रहते हम नीचे ज़्यादा, तो ऊपर भी खाली ही था, तो मैंने कहा चलो ऊपर ही यूज कर लेते हैं सर्दियों में। लेकिन वो होता है मेरे लिए, बहुत हो जाता है नीचे भी ऊपर भी, ऊपर नीचे करते करते। जब नीचे रहते हैं तो ऊपर ज़्यादा आना नहीं होता, ऊपर ये है कि कभी हफ्ते में आ गई सफाई सफाई करने के लिए। और जब ऊपर हम आ गए हम तो नीचे भी करना पड़ता है, ऊपर भी करना है, क्योंकि नीचे सब कुछ हमारा नीचे ही है, सोना खाना, मतलब खाली किचन आया है ऊपर, तो नीचे भी सफाई करनी पड़ती है ऊपर भी, तो इसलिए डबल डबल काम हो जाता है। गर्मियों में ठीक रहता है मौसम। तो चलो मैं एक बार रोटी खाती हूँ, आप भी आ जाओ और फिर बाद में बात। अभी 4 बजने वाली हैं और हमारा हो गया वर्किंग का टाइम। और मैं एक बात कहनी चाह रही थी आप लोगों को, 13 मार्च को यहाँ से गाड़ी जा रही है वृंदावन, अगर जो आना चाहता है तो संपर्क करें यहाँ से कारवारी से, हाँ जहाँ भी होगा यह देहरादून से, और जा रहे हैं वृंदावन 4-5 दिन के लिए, घुमाएंगे पूरा वृंदावन, मथुरावन, गोवर्धन, जितने भी दूसरी जगह है वहाँ पे। और अगर आप लोगों को आना है तो 3,000 रुपये लगेंगे किराया, आना जाना खाना रहना उसी में है सारा। अगर आप लोग आ सकते हैं तो मेरे से कांटेक्ट करना, जो भी है। मैं अभी वहीं गई थी, आए थे कोई तो उन्होंने बोला, जिनकी गाड़ी है जो लेके जा रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला था कि सबको नाम दे देना, सबको बता देना, तो मैंने बता दिया था।
और भी जो आना चाहता है तो मेरे से बात कर ले। थैंक यू। मेरी माँ ने मुझे आज तक वो बात नहीं बताई जो वो हमेशा कहती थी, तू घर आ फिर तुझे बताती हूँ।